एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम पर बात करेंगे जो फेयर ब्रेक ग्लोबल वुमेंस T20 का आज के दिन का दूसरा मैच होगा जो खेला जाएगा बर्मी आर्मी वुमन वर्सेस फलकोन वुमन के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको डेप्थ एनालिसिस करके दूंगा, बस आपको ये वीडियो अंत तक पूरा वॉच करना है। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प पहुँचाएगा। सबसे पहले भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को जो नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि वहीं पर आपको फाइनल टीम, न्यू प्लेयर्स के स्टैट्स, ऑफिशियल बेटिंग ऑर्डर सारी चीज़ें मिलेंगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, एक तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दूसरा आप कमेंट सेक्शन में जाओगे जहाँ पर आप कमेंट करते हो तो वहाँ पर भी जो सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। बात करते हैं इस मैच के बारे में। तो मैच 11:45 पर स्टार्ट होगा सुबह। मैच खेला जाएगा काओलून क्रिकेट क्लब काओलून में, और ये जो विकेट है बॉलर्स को ज़्यादा मदद करता है एज़ कम्पेयर टू बैटर्स। एवरेज स्कोर 130 से 150। तीन मैचेस यहाँ पर अब तक हो चुके हैं, एक जीता है बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, दो में चेज हुआ है। अब देखो यहाँ पर जो तीन मुकाबले हुए ना उसमें अगर आप देखोगे तो फर्स्ट इनिंग में 11 विकेट फास्ट को, स्पिनर्स को 7 विकेट है। सेकंड इनिंग में फास्ट को 5 विकेट, स्पिनर्स को 9 विकेट है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जितने विकेट फास्ट बॉलर्स को मिल रहे हैं उतने ही विकेट स्पिनर्स को मिल रहे हैं, तो दोनों को लगभग बराबर सी हेल्प यहाँ पर मिल रही है। अब देखो पहले बात करेंगे फलकोन वुमन की टीम की। तो इनकी टीम ने अपना जो पहला मैच था वो जीता था। इनकी तरफ से ओपन किया था चमारी अथापत्तू और डेनी व्याट ने। चमारी अथापत्तू ने 15 रन किए थे और एक विकेट यहाँ पर निकाला था। लास्ट सीजन में इनका बहुत बढ़िया गया था, 7 में 313 रन, 52 का एवरेज और 4 विकेट इनके नाम थे 23 ओवर डाल के। फॉर्म भी इनका बढ़िया है, 16-0 विकेट, 19-0 विकेट, 23-17, 107 1 विकेट है। फिर आएंगे इनके साथ में डेनी व्याट, इनके नाम भी लास्ट सीजन 6 मैच में 216 रन थे। भले ही पहले मैच में 0 पर आउट हुई हो लेकिन इस प्लेयर को छोड़ने का आप रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि जब भी खेलती हैं बड़ा खेलती हैं। देख सकते हो फॉर्म भी इनका 59-34, 22-0 विकेट, 97-1 विकेट, 43-2 विकेट है। फिर आएंगे ऐसे तीर्था सतीश, इन्होंने 57 रन की अच्छी पारी खेली थी। वैसे उतनी इफेक्टिव प्लेयर रहती नहीं लेकिन लास्ट नॉक इनकी अच्छी आई थी। लास्ट सीजन भी आप देख लो 7 मैच में टोटल 73 रन थे। फॉर्म 27-16-1, 58-4 है। फिर आएंगे ऐसे सूजी बैट्स, 5 रन किए थे, एक ओवर डाला था, हालांकि ये विकेटलेस यहाँ पर रही थी। इनके नाम अगर आप देखोगे तो लास्ट सीजन में 5 मैच में 147 रन थे और इनका 36 का एवरेज था। फॉर्म भी इनका बढ़िया है, 36-0-0, 81-56। भले ही पहले मैच में जल्दी आउट हुई हो लेकिन इंपॉर्टेंट बन सकती है। मरीको हिल, इन्होंने बैटिंग बॉलिंग दोनों चीज़ें की थी पहले मैच में, 38 रन किए, 7 के साथ 2 ओवर भी डाले थे। लास्ट सीजन 6 मैच में 69 रन, 1 विकेट था, 8 ओवर डाल के। और फॉर्म भी बढ़िया है, 40-1 विकेट, 51-1 विकेट, 31-1 विकेट, 7-1 विकेट। मरीजानी काफ ने 0 रन किए, 3 विकेट निकाले थे। लास्ट सीजन 2 ही मैच खेले थे जिसमें 76 रन, 1 विकेट थे। टॉप क्लास प्लेयर है, इंपॉर्टेंट रहेंगी। यहाँ से आएंगी ननपत कोंचार रोहिनी काई जो कि विकेट कीपिंग करेंगी, 17 नॉट आउट इन्होंने किया था लेकिन बैटिंग बहुत नीचे कर रही है। सोन रेन टिपोक है, ये ऑफ स्पिनर है और स्पिनर्स को यहाँ पर मदद मिल सकती है। तो 9 रन 3 विकेट थे इनके नाम और लास्ट सीजन भी 5 मैच में 4 विकेट थे, इंपॉर्टेंट आपके लिए रहनी चाहिए। यहाँ से आएंगी जहानारा अलाम, 2 ओवर डाले, विकेटलेस थे। लास्ट सीजन भी 7 मैच में मात्र इनको 1 ही विकेट मिला था। यहाँ से आएंगी काया ओरा जो कि आपके लिए ट्रंप बन सकती है क्योंकि लेफ्ट आर्म चाइना मैन बॉलर है, या तो गुच्छे में विकेट निकालेगी या फिर पिटेगी। 2 विकेट इनको मिले थे पहले मैच में। अनुज गुरंग ने 3 ओवर डाले, विकेटलेस थे। लास्ट सीजन 7 मैच में 3 विकेट इनके नाम थे। तो यहाँ से मैं अभी के लिए पिक करूँगा, देखो चमारी अथापत्तू डेनी व्याट को मैं बिल्कुल रखूँगा, सूजी बैट्स को अगर आप चाहो तो रख सकते हो अदरवाइज छोड़ भी सकते हो। मैं यहाँ से रख रहा हूँ अभी के लिए मरीको हिल, मरीजानी काफ, यहाँ से टिपोक और इनके अलावा मैं काया ओरा मेरी ट्रंप है। अगर आपको काया और ओरा ड्रॉप करना है तो आप उस कंडीशन में सूजी बैट्स या तीर्था सतीश में से किसी एक को पिक कर सकते हो। बाकी बेंच पर 2-3 प्लेयर इनमें से कोई खेलते हैं तो स्टेट्स मिल जाएंगे। स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे मरीजानी काफ, ए गुरुंग और जे आलम। डेथ के ओवर डालेंगे के अरुआ, ए गुरुंग और एस टिपोक। बात करेंगे यहाँ पर दूसरी टीम यानी कि बर्मी आर्मी वुमन की टीम की। इनकी टीम पहला मुकाबला हारी थी, ओपन किया था लॉरेन विनफील्ड हिल और दिंद्रा डोटिन ने। देखो अब पहले बात करते हैं विनफील्ड हिल की, तो इन्होंने 22 रन की अच्छी पारी यहाँ पर खेली थी। करियर में 44 मैच में 596 रन है, इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। दिंद्रा डोटिन
कैप्टन की अच्छी चॉइस है, क्योंकि ओपन के साथ साथ आपको 4 ओवर दे रही हैं, 8 रन 1 विकेट था पहले मैच में, लास्ट सीजन भी 7 मैच में 289 रन 2 विकेट थे इनके नाम, और फॉर्म भी इनका बढ़िया है, 20 1 विकेट 23 2 विकेट 39 2 विकेट 52 नॉट आउट 2 विकेट। लोरा वोल्फाथ इन्होंने भी 17 रन किए थे पहले मैच में लास्ट सीजन, इनके नाम भी 7 मैच में 186 रन 65 का एवरेज था, फॉर्म इनका खतरनाक है, इंपॉर्टेंट है। निगारा सुल्तान सिर्फ 1 ही रन कर पाई थी करियर में 13 मैच में, यहाँ पर 73 मैच में 1300 यहाँ पर 48 रन हैं। फिरंगियाज से कविशा इगोदागे, इनके नाम पहले मैच में 30 रन थे, इन्होंने अच्छी बैटिंग की थी तो जीएल में आप ट्राई कर सकते हो, लास्ट सीजन 7 मैच में 103 रन थे। एस कैंपेबल ने 33 नॉट आउट किए थे लास्ट सीजन, इनके नाम 5 मैच में 67 रन 33 का एवरेज था, उतना खास इनका सीजन रहा नहीं था, लेकिन अभी का जो इनका फॉर्म है ना वो बढ़िया है, 34 30 8 22, क्योंकि आते ही हिटिंग्स करती हैं। तारा नोरिश 17 रन 2 विकेट इनके नाम थे लास्ट सीजन, 7 मैच में 5 विकेट थे, अच्छी लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है यूएसए की। फतिमा सना को 1 विकेट मिला था, ये भी फास्ट बॉलर है, लास्ट सीजन 7 मैच में 56 रन 4 विकेट इनके नाम थे। रुमाना अहमद पहले मैच में 2 विकेट मिले, लास्ट सीजन 7 मैच में 63 रन 7 विकेट इनके नाम थे। लोरा कार्डोसो 1 ही ओवर डाला, विकेटलेस रही थी, और लास्ट सीजन में इनको 4 मैच में मात्र 1 ही ओवर मिला था। रुचिता वेंकटेश ने 2 ओवर डाले, ये भी विकेटलेस थी, लास्ट सीजन 3 मैच में 1 विकेट इनके नाम था। तो यहाँ से आप पिक कर सकते हो, देखो लोरा विनफिन हिल, दिंद्रा डोटिन, लोरा वोल्फाथ, इसके अलावा कैंपेबल थोड़ी रिस्की रहेगी क्योंकि नीचे आ रही है, और इसके अलावा मैं 3 और इस को रखूँगा, रुमाना अहमद को रखूँगा। बाकी बेंच में जो भी प्लेयर्स हैं इनमें से कोई भी खेले उसके स्टैट्स मिल जाएंगे। स्टार्टिंग ओवर डालेंगी तारा नोरिस, फतिमा सना, रुमाना अहमद, डेथ में आएंगी एल कार्डोसो, आर वेंकटेश, एफ सना और आर अहमद। एनालिसिस वाला जो पार्ट था इस मैच का हो चुका है कंप्लीट, चलेंगे डेमो टीम की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चलते हैं यहाँ पर डेमो टीम की तरफ। बात करूँ यहाँ पर डेमो टीम की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से आप देख रहे हो कि लॉरेन विनफील्ड हिल को रखा है, बैटिंग सेक्शन से चमारी अत्तापत्तू, डेनी व्याट, लोरा वोल्फाथ को रखा है, ऑलराउंडर सेक्शन से दियंद्रा डोटिन, मरिजानी काप के ओरा मेरी ट्रंप हैं, इसके अलावा एम हिल भी मेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगी, और इसके अलावा बॉलिंग सेक्शन से रुमाना अहमद, टिपॉक और टी नोरिस को रखा है, कैप्टन दियंद्रा डोटिन, वाइस कैप्टन मरिजानी कैप है। लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम जो भी होगी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना बहुत ज़रूरी है और बहुत सिंपल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक एक तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरा कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो थैंक यू भाइयों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।